अगर कोई हमसे पूछता है कि भैया हमारे देश में कैसा माहौल है, हमारे देश में सब कुछ कैसा चल रहा है, तो हम बड़े ही आराम से कह देते हैं कि भैया इंडिया में सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ मजा मा। और हम सोचते भी नहीं कहने से पहले, और कहकर डकार भी नहीं मारते कि हमने कहा क्या है। खैर, जब हम कह रहे होते हैं कि भैया सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो ऐसे में इस वक्त देश में क्या क्या हो रहा है, उन बातों की तरफ भी जरा ध्यान लगा लेना जरूरी है। अभी 117 देशों का भुखमरी का आंकड़ा जारी हुआ है कि किस देश में सबसे ज्यादा लोग भूखे हैं। तो इन 117 की लिस्ट में गर्व करने वाली बात यह है कि भारत 102वें नंबर पे है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया पीछे से फर्स्ट आए हैं, पीछे से फर्स्ट आए हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बड़े ही शर्म की बात है कि भारत जैसा बड़ा देश जो 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ख्वाब देख रहा है, 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन एक पार्टी के प्रवक्ता कहते हुए नहीं थकते, और उनको 5 ट्रिलियन में जीरो नहीं, लेकिन वो इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे कि भारत भुखमरी में 102वें स्थान पर क्यों है। भारत से आगे पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश हैं, जिनको हम जिस पाकिस्तान को हमारा देश भिखारी कहते कहते नहीं थकता, उनको हम सोते जागते हुए भिखारी कहते हैं, वो भी हमसे ऊपर है। बांग्लादेश, जिनको हमारे देश के कुछ युवा नेता रिक्शा खींचने वाले कहते हैं, वो भी हमसे इस लिस्ट में ऊपर है, लेकिन फिर भी हम बेशरम होकर कह देंगे कि भैया भारत में तो सब अच्छा है, कहीं कोई परेशानी है ही नहीं। पीएमसी बैंक में यहां तक कि आपको कुछ ऐसे चाटुकार लोग भी मिल जाए जो कह देंगे कि जो पीएमसी बैंक में फंसा हुआ लोगों का पैसा है वो काला धन है और अच्छी बात है, लोगों का पैसा मर रहा है। आपका कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कहेंगे कि पीएमसी बैंक में भला धन जमा ही क्यों किया था, एक कोऑपरेटिव बैंक में धन जमा वही लोग करते हैं जिनके पास काला धन होता है और सरकार का वो हिसाब देने से बचते हैं। लेकिन वो लोग ये बात भूल गए कि पीएमसी बैंक को लाइसेंस दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जिस तरह से बाकी के किसी बैंक को लाइसेंस मिला हुआ है उसी तरह से मिला हुआ था पीएमसी बैंक को। वो लोग ये क्यों नहीं कहते कि जब सजा, गलती जिन लोगों ने नहीं की वो लोग क्यों सजा भुगत रहे हैं, वो लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे कि भैया 3 लोग अभी तक मर चुके हैं अपना पैसा फंसने की वजह से और न जाने अगले 6 महीनों में क्या क्या हो जाएगा। वो लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे कि आखिर अपना ही पैसा क्यों लोग हर महीने सिर्फ 6,666 रुपये निकाल सकते हैं। बात होंगी तो इधर उधर की, बात होगी तो बहकाने की, सवाल तो उठता ही है आखिर कब तक इसी तरह बहकाते रहेंगे, आखिर कब तक भारत देश का युवा, पढ़ा लिखा युवा फेक न्यूज़ के जाल में चलता रहेगा और फेक न्यूज़ पर ही यकीन करता रहेगा। एक तरफ भारत में इतने बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ भारत के न्यूज़ चैनल ऐसा लगता है कि अपना बेस पाकिस्तान में शिफ्ट कर लिया है, पाकिस्तान की खबरें, पाकिस्तान का मौसम, पाकिस्तान के लोग, ये सब देख देख कर आधे भारतीय भी अपने आप को पाकिस्तानी महसूस करने लगे हैं, क्योंकि टीवी पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही चलता रहता है। आखिर कब तक ये सब चलेगा, इन लिस्टों में भारत कब आगे जाएगा। अब तो देश का नागरिक जो एक ईमानदार नागरिक है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में सोच भी नहीं रहा, वो तो बस ये सोचता है दिन रात कि क्या उसका पैसा बैंक में सुरक्षित है या नहीं, क्या उसकी जीवन भर की कमाई किसी और की गलती से चुटकियों में तो नहीं धूल धूल में मिल जाएगी, और ये सोचने वाली बात है भी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि इस देश में जनता है नहीं, जनता सिर्फ एक संख्या बन के रह गई है। जनता जब आपस में एक दूसरे के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी तो वो सिर्फ संख्या बन के रह जाएगी, और यही हमारे देश में इस वक्त हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।